अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मुतालबा करना चाहूँगा, अब तक आपने जो गलतियाँ की, अब तक आपने जिस तरीके से जो है मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, माइनॉरिटीज़ को बेवकूफ़ बनाया, ना 12% आपने दिया, ना माइनॉरिटीज़ को जो किसी किस्म के जो है एम्प्लॉयमेंट का मौका फराहम किया, ना किसी को लोन दिया। अब आप सुन के हैरान होंगे, 2014-15 में 1 लाख पहले आप रिटायर हो जाए, लेकिन आपकी नॉलेज को अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में आप मैं चेयरमैन था अभी में आरिफ है ना, ये आरिफ जुगरिया रणवीर सिंह साहब का वो जोरदार तालियों के साथ आपका इस्तकबाल है। माशाल्लाह एक माइनॉरिटीज में बहुत ऑफ द डाइस आल्सो ये 10th कॉन्फ्रेंस। मुझे दरअसल आने से पहले कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि आज का फंक्शन क्या है। 10th कॉन्फ्रेंस में जो है आज मेरा प्रिविलेज है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। शमशाद खादरी साहब जो है माशाल्लाह इतने बड़े मुकाम के रहे हैं और आजीजी और इनके साथ कि भाई आइए, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सब आ रहे हैं, तो इसलिए पहली बार हम आप सभी से मिले हैं। अब आगे जैसा भी प्रोग्राम होगा मिलते रहेंगे। फिर एक बार हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, सभी हमारे दोस्त और हमारे बड़े बुजुर्ग सभी हमारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। माइनॉरिटी वेलफेयर प्रेसिडेंट शमशाद खादरी साहब जो फरमाए हैं, वाकई में माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे बड़े भाई वही साहब IFS रिटायर्ड और रिटायर्ड VC and MD माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो भी स्कीमें हैं हमारे वही साहब के पास जाते थे, शमशाद खादरी साहब मेरे पास भी आते थे, और जो भी स्कीमें हैं उसको हम जो हमारे इल्म लाते थे हम ज़रूर उनकी मदद करते थे। जो इंसाफ है, इंसाफ के जो चीज़ें हमारे पास जो पेटिशन के जरिए जाते थे, अपील के जरिए जाते थे, हम उसे गौर करने के बाद उस पर हम तवज्जो दिलाते थे। शुक्रिया। मैं बोला ये आर्डर हाईकोर्ट का आर्डर है, अभी तक हम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2009 में 2018 तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। हमने फौरी कलेक्टर को नोटिस दी गई है, कामारेड्डी की कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस देने के बाद फौरी वो छोटे बैंक बुला के, अरे वहाँ कमीशन क्यों गए सर, अरे क्यों गए वहाँ गए फला बोलते बुला के, वो पट्टा सर्टिफिकेट उसको दिया गया है। 15 एकड़ ज़मीन है उसकी, आज 5 करोड़ एकड़ है ज़मीन। माशाल्लाह पेपर में आया, पूरा पेपर में आया, हमारे एनुअल रिपोर्ट में है, ये बहुत बड़ी लिखी है कि वो 5 करोड़ एकड़ ज़मीन है वो, उसको यानी कि 2009 का जजमेंट है हाईकोर्ट का, डिवीजन बेंच का, कि ज़रा कलेक्टर से मिलो नोटिस लेकर जा बोले। और ये नोटिस लेकर जाने के बाद कलेक्टर एक ही दिन में उसको पट्टा सर्टिफिक दिया गया है, आज उन्हें करोड़पति बन गया बेचारा। तो अल्लाह का एहसान है, कमीशन की वजह से, सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह ताला करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ हिम वी आर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इट सर, बिकॉज ऑफ हिम वी आर इन्वेस्टमेंट। तो अल्लाह का फजल हुआ कि वो बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे काम किए हमने, बहुत ही काम किए। मैं बहनों से अम्माओं से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तलाक के केसों में मामूली चीज़ों में आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, मैं माओं से बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक केस हमारे पास आया था तलाक का केस, तलाक का केस कमीशन में 150 केस है, जिसमें एक वाहिद शख्स आए अमेरिका से शादी करने के बाद, एक महीने के बाद अमेरिका से फ़ोन करे कि आप ऐनक लगाते हैं, मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। अरे अरे ऐनक लगा रहे हैं, आपको तलाक दे रहा हूँ। अरे हमने बोला ये अरे ऐनक तो बच्चे भी लगा आजकल, उसको तलाक देने की जरूरत है। तो उनके वालिद ने हमारे पास दरख्वास्त दी, हमने फौरी क्या करा, होम अफेयर्स लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर से उसको नोटिस चले गई, रेड कार्नर नोटिस इशू हो गई, रेड कार्नर नोटिस इशू जाने के बाद उसकी नौकरी चले गई, उसको क्रिमिनल केस भी हो गया। अब वो विड्रा के वास्ते आ रहे हैं, नहीं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, अब क्या करते हैं, अब होम पूरा हो गया। तो मैं बहनों माओं से और बहनों से अदबन गुजारिश करूँ कि छोटे छोटे बातों में अपन नहीं आना, बेटा तेरा संसार वहीं जाना है, वहीं करना है, अब वही किससे अंतर करना चाहिए, अब कितना रवि है तो हम तो भाई बोलते भाई जाके मारते और लड़ाई बढ़ती। तो इस लिहाज से ज़रा सब्र से काम लेना, क्या वजह है क्या नहीं सोचना।